दोस्तों, आपने अंग्रेजी में एक टर्म जरूर सुना होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी कि एक ऐसा देश जो दुनिया की नजरों में किसी भी तरह से जरूरी नहीं है। एक देश जिसका योगदान किसी तरह की चर्चा और फैसलों में नहीं होता है। आज की तारीख में क्रिकेट के खेल में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति पर बैठे देश भारत और इसके क्रिकेट बोर्ड को भी एक समय में किसी तरह का कोई सम्मान या अहमियत नहीं दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले लगभग 110 सालों तक मैदान और मैदान से बाहर भारतीय क्रिकेट की हालत वैसे ही थी जैसी आज जिम्बाब्वे जैसी क्रिकेट टीम की है। हालांकि भारत विश्व कप चैंपियन बन गया था, लेकिन फिर भी दुनिया की नजरों में उसके लिए वो सम्मान नदारद था। विश्व चैंपियन बनने के बाद एक ना से शुरू हुई थी उस सम्मान को हासिल करने की कोशिश, जो किसी टीम, बोर्ड या किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1987 विश्व कप के भारत पहुंचने की कहानी बताने वाले हैं, जहां से सही मायनों में बीसीसीआई के सबसे शक्तिशाली बोर्ड बनने की शुरुआत हुई थी। 25 जून साल 1983 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे विश्व कप का फाइनल खेला जाने वाला था। मैच शुरू हुआ और सभी लोगों की आशाओं के विपरीत भारतीय कप्तान कपिल देव ने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में खड़े होकर लगभग 30,000 लोगों के सामने प्रुडेंशियल कप उठाकर जाहिर कर दिया कि क्रिकेट आज से सबका है और कोई भी टीम इस खेल में अपनी जगह साबित कर सकती है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी, जिनको उस समय मुश्किल से सारे खर्चे मिलाकर 3,000 रुपए ही मिलते थे, वो जब पीआर मान सिंह के साथ भारत पहुंचे तो बीसीसीआई के पास अपने चैंपियंस को देने के लिए कुछ नहीं था। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड उस समय सिर्फ सस्ती मालाओं के अलावा किसी भी तरह के इनाम या धनराशि से अपनी टीम का इस्तकबाल नहीं कर सकता था। ऐसे में बीसीसीआई के कहने पर लता मंगेशकर ने एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया और यहाँ से प्राप्त रुपए पैसों को सभी खिलाड़ियों में बराबर बांट दिया गया। कहा जाता है कि हर खिलाड़ी को लगभग 1,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, जो उसमें भारतीय क्रिकेट के लिए एक असाधारण बात थी। भारत के आम लोग और राजनेताओं से लेकर हर कोई विश्व चैंपियन बनने की खुशी और जश्न में शामिल हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था जिसके मन में क्रिकेट को लेकर एक बड़ा विचार हिलोरे ले रहा था, वो शख्स जिसे एक ना सुनना गवारा नहीं हो। और अब एनकेपी साल्वे नाम का वो शख्स क्रिकेट पर इंग्लैंड के एकाधिकार को हटाने की रणनीति बना रहा था। दरअसल विश्व कप के दौरान भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिद्धार्थ शंकर रे ने इंग्लैंड का दौरा किया और जब उन्हें यहाँ जानकारी मिली कि भारतीय टीम फाइनल में गई है, तो उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखने के लिए अपने दोस्त और तत्कालीन बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे से दो अतिरिक्त टिकट प्राप्त करने के लिए कहा। साल्वे साहब मान गए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फोन किया और उनसे दो अतिरिक्त टिकट देने के लिए कहा। जवाब में ऑर्गेनाइजर्स ने यह कहते हुए साल्वे साहब की बात को मना कर दिया कि आपको दो टिकट मिल गई है, उनका प्रयोग करो अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो, लेकिन आपको अतिरिक्त टिकट एक देश जिसके खिलाड़ी विश्व कप फाइनल में पहुंच गए थे और जो देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कुछ सबसे पुराने सदस्यों में से एक था, उस देश के अधिकारियों के लिए सिर्फ दो टिकट ही उपलब्ध थी। और दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि एमसीसी के सभी सदस्यों के लिए रिजर्व्ड सीट्स की व्यवस्था की गई थी और वो भी तब जब आधे से ज्यादा सदस्यों ने मैच देखने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनकी टीम फाइनल में नहीं थी। साल्वे साहब ने वो मैच देखा, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वो सोच रहे थे कि सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों विश्व कप खेला जाता है, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एनकेपी साल्वे विश्व कप को भारत में लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो जो सोच रहे हैं उनका क्रिकेट बोर्ड अकेले दम पर उस योजना को जमीन पर नहीं उतार सकता है, क्योंकि इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वीटो पावर मिला हुआ था और इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अलग अलग बोर्ड्स के साथ की जरूरत थी। अगले दिन साल्वे साहब को पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल नूर खान ने कहा कि हम अपने देशों में विश्व कप आयोजित क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने कहा कि क्यों ना भारत और पाकिस्तान मिलकर अगली बार विश्व कप आयोजित करें। भारत और पाकिस्तान की इस बात पर श्रीलंका ने भी अपना समर्थन जाहिर कर दिया, यानी कि एशियन क्रिकेट के तीन सबसे बड़े बोर्ड अब एक साथ थे। भारत पहुंचकर साल्वे ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूरी बात बताई और विश्व कप को भारत में लाने का विचार भी उनके सामने रख दिया। जवाब में इंदिरा गांधी ने अगले दिन धीरूभाई अंबानी को अपने ऑफिस बुलाया और साल्वे साहब का पूरा प्लान उनके सामने रखा और पूछा कि अगर विश्व कप भारत में आ जाता है तो क्या आप पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। धीरूभाई अंबानी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आपको ब्लैंक चेक साइन करके देने के लिए भी तैयार है। अपने देश की दो सबसे बड़ी शख्सियतों का साथ मिलने के बाद एनकेपी साल्वे को अब अपने प्लान के मुताबिक चीजों को तैयार करना था और इसलिए उन्होंने लाहौर में श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तय हुआ कि जगमोहन डालमिया आईसीसी को एक प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें अगले विश्व कप को लेकर एशियन क्रिकेट के सभी विचार शामिल होंगे। आईसीसी को यह प्रस्ताव भेजा गया और सबकी आशाओं के मुताबिक ही आईसीसी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस प्रस्ताव में रोटेशन पॉलिसी का जिक्र भी किया गया था जिसके अनुसार 1987 के बाद अगला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य ऑस्ट्रेलिया इस पॉलिसी के लिए एनकेपी साल्वे से
बात करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि विश्व कप को अपने देश में लाने की इच्छा तो उस समय हर सदस्य के मन में थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चेयरमैन ने सालवे से बात की और कहा कि वो खुले तौर पर इंग्लैंड का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन पर्दे के पीछे उनका पूरा साथ सालवे के लिए रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऑस्ट्रेलिया सालवे के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। यह विश्व कप को इंग्लैंड से बाहर लाने के मकसद को पूरा करने के लिए सालवे की एक बड़ी जीत थी। जल्दी भारत और पाकिस्तान, जिन्हें साथ में अगला विश्व कप होस्ट करना था, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया, जिसका अगला उद्देश्य ICC वोटिंग सिस्टम में जीत दर्ज करना था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले कुल 29 देश थे, जिसमें से 8 देश फुल मेंबर्स थे और 21 देशों को अब तक टेस्ट प्लेइंग नेशन का रुतबा नहीं मिला था। इस तरह हर टेस्ट प्लेइंग नेशन के 2 वोट और नॉन टेस्ट क्रिकेट नेशन का 1 वोट मिलाकर कुल 37 वोट था। यहाँ से सालवे को एक बात पता थी कि वोट्स की तरह फंडिंग और पैसों पर भी टेस्ट प्लेइंग नेशन का दबदबा ज्यादा है। फिर क्या था, सालवे ने मौके को भुनाने के लिए 21 देशों को ICC से 4 गुना ज्यादा यानी £20,000 और बाकी सदस्यों को ICC से 5 गुना ज्यादा की रकम देने का वादा कर दिया। इस मास्टर स्ट्रोक के साथ ICC वोटिंग सिस्टम में प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन इंग्लैंड आखिरी दम तक विश्व कप को अपने यहाँ ही रखना चाहता था। और इसके लिए इंग्लैंड ने वोटिंग के बाद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नसीम हसन शाह को वोट करते हुए देखा ही नहीं था, क्योंकि उनका कद बहुत छोटा है। इस बेतुके बयान के बाद सबकी सहमति से वोटिंग एक बार फिर से शुरू हुई और इस बार मिस्टर शाह ने अपने टेबल पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपना समर्थन प्रकट किया, ताकि इंग्लैंड अच्छे से ये देख ले। लेकिन इंग्लैंड को अब भी अपनी हार स्वीकार नहीं थी। अगले विश्व कप तक इंग्लैंड लगातार अपने प्रश्न, अपनी चिंता, अपने ऑब्जेक्शन सामने रखता रहा। कभी अफ्रीका के नाम पर तो कभी इंग्लैंड ने कहा कि भारत जैसे देश में 60 ओवरों में मैच कैसे खेले जाएंगे। जवाब में भारत ने मैचों को 50 ओवरों का रख दिया। इंग्लैंड ने कहा कि उनको मैचों को ब्रॉडकास्ट करने में समस्या होगी, तो भारत ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को तकनीकी तौर पर बेहतर करने के लिए तैयार है, जिस पर 30 करोड़ का खर्चा आने वाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड ने विश्व कप से 8 महीने पहले तक भी हार नहीं मानी और भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर सुरक्षा के हवाले से भी विश्व कप को भारत से बाहर लाने की आखिरी कोशिश की। IS बिंद्रा ने इसका तोड़ निकालने के लिए जनरल जियाउल हक से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दे दिया, ताकि सभी देशों को ये संदेश मिल जाए कि सब कुछ सही स्थिति में है। एक बेहतरीन योजना और उसके एजुकेशन के बाद अभी जो बड़ी मुश्किल भारत में विश्व कप आयोजन को रोक सकती थी वो ये थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अपने वादे के अनुसार देने के लिए पैसे नहीं थे। इंदिरा गांधी की हत्या ने पैसे के मामले में BCCI को मुश्किलों में डाल दिया था, क्योंकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अंबानी के साथ अपनी माँ के जैसा रिश्ता नहीं रखते थे। यहाँ से एक अलग योजना पर काम शुरू होता है, जिसे गुप्त रखना जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड को BCCI की इस कमजोरी की थोड़ी भी जानकारी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती थी। भारत और पाकिस्तान के साझा प्रस्ताव में ICC सदस्यों को जितनी रकम अदा करने की बात कही गई थी वह राशि 30 करोड़ थी, जिसमें से 20 करोड़ रुपए BCCI को अदा करने थे। इसके लिए कोई भी बड़ा साधन बोर्ड के पास नहीं था। दूसरी तरफ राजीव गांधी और धीरू भाई अंबानी की आपसी नाराजगी के चलते वो दरवाजा भी लगभग बंद हो गया था। BCCI को दिसंबर 1984 तक गारंटी मनी के तौर पर 4 करोड़ रुपए यानी 1.8 मिलियन पाउंड की राशि अदा करनी थी, जिसके लिए रोथमैन, जिलेट और कोका कोला जैसी विदेशी ब्रांड्स के अलावा भारतीय बिजनेसमैन का दरवाजा भी खटखटाया गया और यहां से कुल 38 लाख रुपए ही BCCI को हासिल, क्योंकि सभी को यह डर था कि BCCI उनके पैसों को वापस नहीं कर पाएगी। अब इस स्थिति में BCCI प्रेसिडेंट को सिर्फ एक चेहरा नजर आ रहा था जो इस दुविधा से उनको निकाल सकता था। सालवे साहब राजीव गांधी से मिलने पहुंचे और उनसे 1.8 मिलियन पाउंड देने को कहा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस खेल में भारत कुछ महीनों पहले चैंपियन बना था, उस खेल के सबसे बड़े मंच पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के बाद रिस्क की स्थिति को देखते हुए भी राजीव गांधी ने NKP सालवे की मांग को पूरा किया, लेकिन अब भी स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रक्चर को सुधारने का वादा भी BCCI ने किया था, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए की पूरी लागत दूरदर्शन देने वाला था, और ऐसे में दूरदर्शन ने रॉयल्टी से आने वाली राशि BCCI को देने से मना कर दिया था, जो 6 करोड़ रुपए थी। यहाँ से कुछ समय बाद जैसे ही VP सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाकर डिफेंस मिनिस्ट्री का पद दे दिया गया, BCCI के लिए धीरू भाई अंबानी का दरवाजा खुल गया। लेकिन अब धीरू भाई अंबानी की एक शर्त थी, उन्हें विश्व कप से कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में राजीव गांधी के बगल वाली सीट देनी हो बात बन गई। धीरू भाई ने भारत सरकार को उनके 4 करोड़ रुपए दिए, इसके बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए। अनिल अंबानी इस डील को लीड कर रहे थे। इस तरह वर्ल्ड कप को रिलायंस कप का नाम मिला और इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रिलायंस कप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी रखा गया, जिसमें धीरू भाई अंबानी के ब्रांड को गली मोहल्ले में भी पहचाना जाने लगा था। दूरदर्शन के साथ भी आगे चलकर समझौता हुआ और ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के राइट्स भी अंबानी ने 2.6 करोड़ रुपए देकर खरीद लिए। इस तरह KNP सालवे की दृढ़ता पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी देशों के साथ राजनीतिक और व्यावसायिक सहयोग के जरिए भारत के लिए साल 1987 विश्व कप को होस्ट करने का रास्ता साफ हो गया था। इस विश्व कप की क्या कहानी रही,
किस तरह ये विश्व कप घटित हुआ, इसकी चर्चा हम अपने वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज के चौथे एपिसोड में करेंगे। लेकिन यहाँ से सही मायनों में विश्व क्रिकेट को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया था। इस घटनाक्रम ने यह जाहिर कर दिया था कि आगे से भारत को ऐसी किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाएगा जिस पर उसका हक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।